हर शहर में आज मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन 3 भागों में विभाजित की गई। सेकेंड राउंड में इस मैराथन को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह मैराथन का 5वां वर्ष है। कोरोना महामारी के चलते इस बार कम लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। इस मैराथन में लगभग 5,000 लोग शामिल हुए, जिसमें अभियान आज तक रुकमणी मोटर्स और डी न्यू टाइम्स के सदस्य भी शामिल हुए। मैराथन हेल्थ केयर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यह परंपरा कभी बंद नहीं की जाएगी। इस मैराथन में 5,000 लोग शामिल किए गए थे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाएंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और अब बैंड बाजे बज गए हैं, इसलिए आने वाले चुनाव में सबका ध्यान है, निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। हम इंदौर में नंबर 1 है, क्लीनिंग में, सफाई में है ना, पर ट्रैफिक में अब जरा शाम को परेशानी होती है। पहले मैं एक दिन में 30-40 शादी अटेंड कर लेता था जब इंदौर में रहता था, अब बड़ी मुश्किल से 10 भी नहीं होती। डॉक्टर अरुण नहीं, बहुत ट्रैफिक हो गया। ट्रैफिक में भी हमको नंबर 1 होना है, चैलेंजिंग काम है। मैंने भी सोचा है कि बंगाल चुनाव के बाद इंदौर को ट्रैफिक को सुधारने के लिए मैं सड़क पर समय दूंगा। आप लोगों को भी यातायात के नियमों का पालन करना है, करेंगे सब लोग। यार बंगाल तक आवाज जाना चाहिए जरा। बोले भारत माता की जय। सियाराम, हम इंदौर में नंबर 1 है, क्लीनिंग में, सफाई में है ना, पर ट्रैफिक में अब जरा शाम को परेशानी होती है। पहले मैं एक दिन में 30-40 शादी अटेंड कर लेता था जब इंदौर में रहता था, अब बड़ी मुश्किल से 10 भी नहीं होती। डॉक्टर अरुण नहीं, बहुत ट्रैफिक हो गया। ट्रैफिक में भी हमको नंबर 1 होना है, चैलेंजिंग काम है। मैंने भी सोचा है कि बंगाल चुनाव के बाद इंदौर को ट्रैफिक को सुधारने के लिए मैं सड़क पर समय दूंगा। आप लोगों को भी यातायात के नियमों का पालन करना है, करेंगे सब लोग। ट्रैफिक में इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे। लेकिन साइकिल भी कभी कभी चलाया करिए। हमारे नीरज बाबू खड़े हैं, नीरज जागनी, ये इंदौर की शान है। ये इंदौर में ये ऐसे साइकिलिस्ट हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर, मैं जम्मू कश्मीर जब इनको छोड़ने गया तो मेरी आँखें भर आई थी। वहाँ से अकेला साइकिल लेकर जब आदमी कन्याकुमारी जाए अकेला, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए साहस चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। तालियां बजा कर जरा नीरज को भी आप अभिनंदन करें। और हम सब ट्रैफिक में नंबर 1 बनेंगे। मैं ये हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, बंगाल जीतेंगे। तो मित्रों, में शपथ दिलाने के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिए जरा, है ना। मैं इंदौरी संकल्प करता हूँ, नहीं ये कोविड को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कम किया है, तो हर साल 20,000 से ज़्यादा लोग होते हैं। इस बार हमने सोचा था कि 25,000 करेंगे, पर कोविड की मर्यादाएं थी इसलिए 5,000 पे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि परंपरा बंद हो। ये भी हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए यह परंपरा बंद नहीं हो, इसलिए इस वर्ष हमने सिर्फ 5,000 लोगों को बुलाया था और बड़ी सफल रही, प्रशासन का काफ़ी इसमें सहयोग रहा। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए, महिलाओं के प्रति हमारा नज़रिया श्रद्धा का होना चाहिए, महिलाओं की भूमिका समाज के अंदर बराबर की होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं आज 50% या 50% लोगों की ताकत का अगर समाज के लिए उपयोग नहीं करेंगे तो फिर समाज मजबूत नहीं हो सकता, इसलिए महिलाओं को बराबरी का दर्जा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाएंगे और चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, अब तो बैंड बाजे बज गए, इसलिए अब सब आने वाले चुनाव की तरफ सबका ध्यान है और निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे।
ये सुरभि एक बेटी मेरे पास खड़ी है। हेलो भारत माता की। ये सुरभि मनोज चौधरी ये बेटी मेरे सामने खड़ी है, ये बोल रही है कि एक शपथ और करवाइए, महिलाओं को भी सुरक्षित रखना है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, इस बात के लिए सब लोग शपथ लें। हमारे देश के अंदर महिलाएं दुर्गा होती है, लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, और उस दृष्टि से ही उनको देखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये शपथ भी हमें लेना चाहिए, तो इसलिए हम दाहिना हाथ आगे करके, और देखिए जिस घर के अंदर, जिस परिवार में, जिस शहर में महिलाओं का सम्मान होता है वो शहर नंबर वन बनता है। हर क्षेत्र में शहर नंबर वन बने, यहाँ के नागरिक नंबर वन बने, क्योंकि सरस्वती शिक्षा की देवी है। यदि आपको विद्वान बनना हो तो सरस्वती के चरणों में जाना पड़ता है, यदि आपको बलिष्ठ बनना हो, हमारे नीरज जैसे बल्ले बनना हो, तो माँ दुर्गा के पास जाना पड़ता है, बलिष्ठ बनाती है। और यदि पैसा चाहिए, धनवान बनना है, तो लक्ष्मी देवी के पास जाना पड़ता है। पुरुष को तीन शक्तियों के बिना पुरुषत्व दिखाई नहीं देता, तो पुरुषोत्व के लिए तीन शक्ति बहुत जरूरी है, और वो हमारे महिलाओं में होती है। इसलिए सब लोग दाहिना हाथ आगे करें और महिलाओं के रक्षा के लिए भी शपथ लें। हम सब शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास, यार बंगाल तक आवाज जाना चाहिए जरा, बोले भारत माता की जय, जय राम। हम इंदौर में नंबर वन है क्लीनिंग में, सफाई में है ना, पर ट्रैफिक में अब जरा शाम को परेशानी होती है। पहले मैं एक दिन में 30-40 शादी अटेंड कर लेता था जब इंदौर में रहता था, अब बड़ी मुश्किल से 10 भी नहीं होती डॉक्टर अरुण। नहीं, बहुत ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक में भी हमको नंबर वन होना है, चैलेंजिंग काम है। मैंने भी सोचा है कि बंगाल चुनाव के बाद इंदौर को ट्रैफिक को सुधारने के लिए मैं सड़क पर समय दूंगा। आप लोगों को भी यातायात के नियमों का पालन करना है, करेंगे सब लोग ट्रैफिक में इंदौर को नंबर वन बनाएंगे। लेकिन साइकिल भी कभी कभी चलाया करिए, हमारे नीरज बाबू खड़े हैं, नीरज जागनी, ये इंदौर की शान है। ये इंदौर में ये ऐसे साइकिलिस्ट हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर, मैं जम्मू कश्मीर जब इनको छोड़ दे गया तो मेरी आंखें भर आई थी। वहाँ से अकेला साइकिल लेकर जब आदमी कन्याकुमारी जाए अकेला, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए साहस चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। तालियां बजा के जरा नीरज को भी आप अभिनंदन करें, और हम सब ट्रैफिक में नंबर वन बनेंगे। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, बंगाल जीते गया। तो मित्रों, में शपथ दिलाने के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिए जरा, है ना। मैं इंदौरी संकल्प करता हूँ।